हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायक टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल सेशन में, स्पेशल प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, टियांस इंटरनेशनल पिछले 28 सालों से दुनिया के 224 देशों में और रीजन्स में करोड़ों लोगों को हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस के साथ साथ एक शानदार प्रॉस्पेरिटी का काम कर रही। और आज से ठीक 20 साल पहले मुझे टियांस के साथ जुड़ने का मौका मिला और इन 20 सालों में जो सीखा, जो समझा और जो किया, उसको बताने के लिए आईडी नेट सिस्टम बनाया गया। आईडी नेट सिस्टम में 20 साल का अनुभव और अनगिनत लोगों का एक जबरदस्त कामयाबी का रमकों की सबमिशन, बहुत सारे लोग जिन्होंने आज प्रूव किया है कि अगर हम यूनिटी के साथ काम करें, मिलकर काम करें, एक दूसरे की ताकत बने हम, तो हम बहुत बड़े बड़े कारनामे कर सकते हैं। और ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि ये काम जैसे मुझे मिला, ऐसे ही आपको भी मिला है। आज से 20 साल पहले मेरे पास भी मौका था, मौका मिला और मैंने इस मौके पे काम किया। और मैं देखता हूँ, अगर पीछे मुड़कर, तो एक चीज़ समझ आती है कि मैं बहुत सीरियस था अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। मेरे मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी जो मैं मानता हूँ कि किसी भी इंसान में जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, उसके दिमाग में ज़रूर होती हैं। क्योंकि हम सब लोग जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हम सब लोग आम सिर्फ ज़िंदगी कट जाए कोई नहीं चाहता है। बट कहते हैं ना कि कुछ लोगों को मौका नहीं मिलता ज़िंदगी में, कुछ लोगों को मौका मिल गया लेकिन उनको गाइड करने वाला नहीं मिला, या अनफॉर्चुनेटली उनको मिसगाइड करने वाले लोग मिल जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जब आपको लोग मिसगाइड करते हैं, तो दुर्भाग्य से आपका भी दिमाग काम नहीं करता है और आप भी उस धारा में बह जाते हो। तो मौका तो है दोस्तों जीवन में, और मौका हम लोगों को मिल चुका है, खासतौर से टियांस इंटरनेशनल में जो लोग इस टाइम बिजनेस कर रहे हैं। जैसे मैं जानता हूं कि इस महीने भी हमने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया है, बैक टू बैक, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, हम लोग एक मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे बीच में बहुत सारे लीडर डे बाई डे अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, एज ए बिजनेसमैन और बिजनेस वुमेन काम कर रहे हैं, और जो ये मौका उनको मिला है उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे लीडरों को मैं देखता हूँ जो हर महीने अपने दम पर अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, ये जानते हुए ये काम मेरा है, मुझे करना है। वो अपनी सीनियर के साथ भी तालमेल बना रहे हैं, अपनी टीम के साथ भी तालमेल बना रहे हैं, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आ रहे हैं। तो इस महीने अभी भी क्लोजिंग चल रही है 12 बजे तक। फिलहाल के लिए जिन लोगों ने नई नई रैंक अचीव किए हैं, या फिर जिन्होंने BCM मशीन या और भी गिफ्ट अचीव किए हैं, या फिर आपने चाइना टूर अचीव किया है, आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत सारी मुबारकबाद और हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। ज़बरदस्त आपने, ज़बरदस्त कहते ना कि आपने मौसम बदल दिया है, आपने अपने उन सपने को, जो एक सपना होता है लोगों को, और मैंने देखा है हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत जल्दी जल्दी अपने सपने यहाँ से अचीव करने शुरू कर दिए हैं। और विदेश यात्रा, वो भी दुनिया का आज की डेट में वन ऑफ द सुपर इकोनॉमिक पावर, दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कंट्री में आने वाला देश चीन। जब आप चीन में जाएंगे, जब चाइना में जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि शायद आप किसी यूरोप में या अमेरिका जैसे देश में पहुंच गए हैं। और ये भी एशियन कंट्री है, एशियन कंट्री में जो ग्रोथ है अपनी आंखों से देख कर, जब आप आके वापिस आएंगे तब आप महसूस करेंगे कि वाकई में हमें तो बहुत कुछ करना है अभी हिंदुस्तान में। बट हम बहुत लकी हैं कि इस टाइम जिस तरह की ग्रोथ हिंदुस्तान की हो रही है, और आने वाले टाइम का जो विजन नजर आ रहा है बहुत जबरदस्त होने वाला है।
हिंदुस्तान मोस्ट एडवांस कंट्रीज में आने के लिए यहाँ पर एक से एक अपॉर्चुनिटी है और आज माहौल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज ये जो मौका आपको मिला है, जिससे आप में से बहुत सारे लोग निखर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, वो आपको मैसेज दे रहे हैं, डोंट मेक योर ड्रीम स्मॉलर, अपने सपनों को छोटा मत बनाइए, मेक योर एफर्ट्स बिगर, अपने सपनों को छोटा नहीं बनाना है दोस्तों, अपनी मेहनत को बढ़ाना है, अपने एफर्ट्स को बढ़ाना है। लोग क्या करते हैं, वो मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, वो बोलते हैं बस हम तो ऐसे गुजारा कर लेंगे, बस ऐसे कट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, देखा जाएगा, नो प्रॉब्लम। नहीं, आप कंप्रोमाइज मोड में आ गए, आप झूठ में बोल रहे हो आई एम सेटिस्फाइड, कोई सेटिस्फाइड नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो सक्सेस है इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, कामयाबी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, और कहते हैं ना कि सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नेवर फाइनल। आप फेल हो गए, एक बार हो गए, दो बार हो गए, दस बार हो गए, पचास बार हो गए, सौ बार फेल हो गए, क्या हो गया? जब आप फेल होते हैं बहुत कुछ सीखते हैं, अगली बार अच्छा करते हैं और अगली अच्छा बार करते हैं, करते करते आप इतने अच्छे हो जाते हो, उसके बाद अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि सक्सेस इज नेवर एंडिंग, फेलियर इज नेवर फाइनल। तो डोंट मेक योर ड्रीम स्मॉलर, अपने सपनों को छोटा मत बनाइए दोस्तों, मेक योर एफर्ट्स बिगर, अपने एफर्ट्स को बड़ा बनाइए, क्योंकि अगर आप अपने एफर्ट्स ज्यादा डाल दोगे तो बड़े बड़े सपने भी हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं। और यही लेसन मुझे आज से 20 साल पहले मिला जब मैं इस कंपनी में आया। आज ही बताते हुए खुशी होती है, 55 इंटरनेशनल टूर, 7 figure की अर्निंग्स मंथली और ग्लोबल रॉयल्टीज और एक लग्जरी लाइफस्टाइल और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम्स यहाँ से जो मुझे मिला है, दैट इज बिकॉज मैंने सपने बड़े देखे, मैंने अपने एफर्ट्स को बड़ा किया, मैंने सपनों को छोटा नहीं किया। मुझे नहीं पता था जिंदगी में कितनी कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने ठान लिया कि अगर मेहनत करके हम बड़े बड़े सपने पूरे कर सकते हैं तो हम मेहनत कर सकते हैं, हम मेहनत करेंगे, और हमने मेहनत की रफ्तार बढ़ा दी। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि जो मुश्किल समय होता है ना, वो आपको टेस्ट करता है। वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि हार्ड टाइम्स टेस्ट यू नॉट किल यू। जो मुश्किल समय होता है, जो स्ट्रगलिंग वाला टाइम होता है ना, वो आपको टेस्ट करता है। हमारी जो टेस्टिंग होती है, क्या हम डिजर्व करते हैं कामयाबी के लिए? इसीलिए जब भी मुश्किल आए, दिक्कत आए, तकलीफ आए, आपको चैलेंज आए, तो ये मान के चलना ये आपकी टेस्टिंग है। इट विल टेस्ट यू, इट विल नॉट किल यू। इस चैलेंज से आप मर नहीं जाएंगे, इस चैलेंज से आप खत्म नहीं हो जाएंगे। ये चैलेंज आया ही इसलिए है कि क्या आपके लिए कामयाबी मिलनी चाहिए, क्या आप डिजर्व करते हैं। मौका जब मिला है दोस्तों, उस मौके को एनकैश करना आपका काम है। आपको जब ये पता चल रहा है आपके आसपास के इतने सारे लोग इस काम को करते हुए कामयाब हो रहे हैं, तो क्या आप नहीं हो सकते हैं? ये आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने ऊपर कि जब इतने सारे लोग कामयाब हो रहे हैं तो हम भी हो सकते हैं। अब आपको अपने एफर्ट्स को बढ़ाना है, आपको अपनी टेस्टिंग के अंदर पास, हर चैलेंज को पार करना है, आपको सॉल्यूशन मेकर बनना है। आइदर यू आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन और यू आर द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम। या तो आप प्रॉब्लम का हिस्सा हो, हर चीज में प्रॉब्लम देखते हो, जब भी देखो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, आपको पूरे महीने एक्सक्यूज बनाने का बड़ा मजा आता है, प्रॉब्लम्स गिनाने में मजा आता है, लेकिन रिजल्ट जीरो। लेकिन जो लोग सॉल्यूशन सीकर होते हैं, सॉल्यूशन मेकर होते हैं दोस्तों, वो क्या करते हैं, वो मौके का फायदा उठाते हैं। इस महीने आपने कितना फायदा उठाया है आपको महसूस हो रहा होगा, एज कम्पेयर टू लास्ट मंथ। और इस महीने जो हुआ हुआ, अब हो गया जो होना था, इस महीने का क्लोजिंग है आज, अब नेक्स्ट मंथ शुरू हो रहा है कल से। अगले महीने का क्या टारगेट है, क्या गोल है, क्या आपका टारगेट है? इस महीने आपको करना क्या है? आपने कोई टारगेट बनाया है, कोई गोल बनाया है कि इस महीने मुझे ये प्लानिंग किया है सर मैंने, इसके ऊपर मैं काम करूंगा? आपको प्लानिंग करना पड़ेगा दोस्तों। ये जो मौका मिला है, इस काम के माध्यम से आप बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े सपने एक सेकंड में, एक घंटे में, एक दिन में नहीं पूरे होंगे या एक महीने में, ये टाइम लगेगा। वो कहते हैं ना, इसीलिए कभी भी आपको फोकस जो है ना, जीरो से सौ पे नहीं करना है। अभी आप जीरो में बैठे हो, फिर सोच रहे हो कि सौ, सीधा आते ही भाई सेंचुरी मारेंगे हम, खेलने आ गए, आप सोचते हो मैं तो 100 run बनाऊंगा आज। अरे पहले 5, 7, 10 run तो बना लीजिए। पहले 5, 7, 10 run जब बनाओगे, फिर आपको फोकस करना है 10 run से 20 run बनाने हैं।
जब 20 रन बन जाएंगे फिर सोचना है तो 40 रन बनाने हैं, और जब 40 हो जाएंगे ऐसे ही 50 और 60 70 करते हुए फिर जाके आप 100 रन की तरफ जाएंगे। तो एकदम एक झटके में कोई भी गाड़ी जब दौड़ती है चलती है सड़क पे सीधा 0 से 100 की स्पीड में फटाटे नहीं भरती है दोस्तों, 0 से वो धीरे धीरे करके ऊपर जाती है और आगे रोड होता है, इतना सीधा रोड नहीं है जिंदगी में भी और गाड़ी का भी रस्ते का भी। आपको स्टेप बाय स्टेप ये सोच के चलना है कि मुझे फोकस क्या करना है। आज आपका बोनस नहीं बन रहा है, आप बोनस तो बनाइए, आपको पता होना चाहिए मुझे एक ब्रॉन्ज जोड़ना है, मुझे किसी सिल्वर को स्पॉन्सर करना है, मुझे किसी को गोल्ड से स्पॉन्सर करना है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी ब्रॉन्ज होगा, कोई सिल्वर करेगा, कोई गोल्ड करेगा, कोई प्लेटिनम करेगा। आपका काम है अपनी अपॉर्चुनिटी को देना, अपनी अपॉर्चुनिटी को बताना लोगों को। आप कोई नहीं होते हैं ज्योतिषी बनने वाले कि नहीं इससे कराएंगे। आप अपने बेस्ट पिच करिए, आप अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन दीजिए, आप अपना बेस्ट डेमो दीजिए। जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं और जब डेमो देते हैं ना, उसके बाद आपको खुद पता लग जाता है कि आज आपने कितना अच्छा किया। कोई भी इंसान जब कोई काम करता है उसको खुद पता होता है उसने कितना अच्छा काम किया या नहीं किया। जब आपका दिल आपको आवाज दे देना, बेटा आज तो आपने बहुत शानदार प्रेजेंटेशन दी है, यकीन करना आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पर होगा। रिजल्ट फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, आपका डेमो बहुत अच्छा था, आपकी क्लोजिंग बहुत शानदार थी, उसके बाद भी कोई नहीं जुड़ा है, दैट इज नॉट योर जॉब। आपका काम है अपना काम करना, और जब आप बेस्ट शॉट देते हैं, जब आप बेस्ट रोल निभाते हैं दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आते ही आते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको क्रेजी होना जरूरी है, क्रेजी मतलब जुनूनी, पागलपन बहुत जरूरी है, ये विश्वास करने के लिए कि आप कामयाब होंगे। इसके लिए पागल होना पड़ेगा ना, आपको खुद विश्वास होगा ना, आपके घर वाले को, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, ना बच्चों को, ना आपके माँ बाप को। कोई भी इंसान आपके ऊपर विश्वास करने वाला नहीं है कि आप कामयाब होने वाले हैं, यकीन कीजिएगा। इवन आप भी, खुद भी आपको एक बार विश्वास नहीं होगा कि आप कामयाब हो सकते कि नहीं हो सकते हैं। यहां पर काम करता है पागलपन, यहां काम करता है एक अलग से जुनून, यहां पे काम करता है एक बिलीव, एक फेथ, एक ऐसी शक्ति जिसको बोलते हैं ना कि दिखती नहीं है। फेथ का मतलब क्या होता है? ऐसा विश्वास जो दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी है। क्या आपको भगवान पे भरोसा है? क्या आप किसी भगवान को मानते हैं? आपको क्या भरोसा है? अगर आप मानते हैं, भरोसा है, क्यों है? कोई मिला था आज तक आपको भगवान आकर कि मैं भगवान हूं, मुझ पर भरोसा रखना, मैं तुम्हारा बेड़ा पार कर दूंगा? नहीं, इट इज अनसीन, अनसीन पावर है, बट वी बिलीव बिकॉज वी हैव अ फेथ। हाँ यार, कुछ तो है सुप्रीम पावर, कहीं कमी होगी तो हम में ही होगी, ईश्वर में कोई कमी नहीं है। ईश्वर जब दुनिया में बांट रहा प्रसादा और हमें प्रसादा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ी हम में है और हमें अपनी गड़बड़ी ठीक करनी है। और गड़बड़ी ठीक करने के लिए भगवान आपके पास खुद नहीं आने वाले, उन्होंने किसी न किसी को जरिया बनाया है और वो जरिया आपको बता रहा बार बार, ऐसा करो, ऐसा करो, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो, जरिया बता रहा है आपको। ये सिस्टम है, सिस्टम में यूनिटी है, सबमिशन है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड है, और ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट दे रहा है, प्लान दे रहा है, आपको प्रमोशन दे रहा है, बोनस दे रहा है, टूर दे रही है, ये टियांस है, ये आईडी नेट सिस्टम है, और बीच में LOS है, लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स है, सक्सेसफुल लीडर है, एक्टिव है, ग्रोइंग है, जबरदस्त तरीके से एक सबमिशन में काम कर रहे हैं, यूनिटी में काम कर रहे हैं। जब ये फीलिंग आपको दे रहा है, कौन? भगवान थोड़ी आएगा, खुद भगवान खुद नहीं आएंगे, भगवान की जगह कोई और आ रहा है, भगवान ने किसी को मैसेंजर बनाया है आपकी जिंदगी को बेटर करने के लिए, और किसी ना किसी रूप में आपके जीवन में आया है, तभी आप त्यांश में आए हैं। और त्यांश में आना ही इज नॉट एनफ, आप जुड़ के बाद घर में बैठ गए, जुड़ के आप किसी को सुन ही नहीं रहे, तो क्या होगा? ये सब कुछ कहते हैं गॉड हैज अ प्लान, ईश्वर का कोई ना कोई तो प्लान है। इसलिए मैं कहता हूँ बी क्रेजी एनफ टू बिलीव दैट यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ये आपको यकीन करना पड़ेगा, ये आपको विश्वास करना पड़ेगा। बिना विश्वास किए कुछ नहीं हो सकता दोस्त। और यकीन करना, जिस इंसान के अंदर, जिस तरह के कहते ना, जब आपका एक सपना और टारगेट और गोल के प्रति आप पैशनेट हो जाते हैं, जुनून हो जाता पैदा कि यस ऐसी जिंदगी चाहिए और इसके लिए मैं मेहनत करूंगा, अपनी मेहनत को बढ़ा दूंगा मैं, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, हम ये नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे हम मेहनत कितनी कर रहे हैं, हम एक मीटिंग करते हैं, दो मीटिंग करते हैं, कितनी मीटिंग पर डे करते हैं, हम मीटिंग में आते हैं, सेमिनार में आते हैं, गेट टुगेदर में आते हैं, जूम मीटिंग में आते हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑफलाइन काम कर रहे हैं। आपका क्रेजीनेस दिखेगा। जब आपका क्रेजीनेस होता है ना दोस्तों, तो कहते हैं आपको किसी को जगाना नहीं पड़ता है,
आप खुद जागते हो, शाम को 9 बजे कोई आपको याद नहीं दिलाता है कि आज जूम मीटिंग है, अब 4 तारीख को 5 तारीख को हिमाचल में कोई प्रोग्राम है तो कोई आपको इन्विटेशन लेटर नहीं आने वाला है कि आपको आना चाहिए। ये आपका विवेक, आपकी बुद्धि आपको कहेगी यस आई यू शुड डू इट बिकॉज यू आर द लीडर। जो लीडर होगा वही अपनी टीम को लीड कर सकता है। यू हैव टू बी लीडर टू लीड योर टीम, राइट। तो आपको वेकअप करने के लिए क्लॉक की जरूरत नहीं है, है ना, कोई आपको उठाएगा नहीं, जगाएगा नहीं, आप खुद जग जाएंगे। आपका जो टारगेट है वो आपको जगाएगा, जो आपका विजन है, जो फीलिंग है ना, हाँ यार ऐसी जिंदगी चाहिए। एक दिन आप अपने आप को धन्यवाद करेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि आप बोलोगे थैंक यू माय डियर पालबी बसनायक, यू बिलीव्ड इन टियांस, यू बिलीव्ड इन द अपॉर्चुनिटी, यू बिलीव्ड इन द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। जब ये बिलीफ के बिलीफ होता ना, मैंने 20 साल पहले बिलीव किया था, जब दुनिया जब बताया था तो मेरे को अच्छा लगा था, लेकिन जब मार्केट में गया था ना, 100 में से 90 लोग जो है नेगेटिव बातें करते थे इस अपॉर्चुनिटी के लिए, इस तरह के बिजनेस के लिए। और आज सीन बदल गया है, आज मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा परिवर्तन देश के अंदर आ चुका है, बहुत बड़ा परिवर्तन पूरी दुनिया में आ चुका है, और दुनिया में लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं। तो वन डे यू विल थैंक यू योरसेल्फ फॉर बिलीविंग इन योरसेल्फ। खुद पे भरोसा करने के लिए आप थैंक यू करेंगे। एक दिन ऐसा भी आने वाला है, आप महसूस करोगे शुक्र है उस दिन मैंने डिसीजन लिया था, शुक्र है ईश्वर की कृपा थी कि मेरे दिमाग में मेरी बुद्धि पर पत्थर नहीं पड़े थे और मैंने डिसीजन लिया और आज जिंदगी बदल गई। आपकी फैमिली, ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिंदगी में आपके जो कहेंगे क्या बात है भाई साहब, आपने कमाल कर दिया, आपने जबरदस्त डिसीजन लिया, और आप तक क्या बोलेंगे कि भाई साहब मैंने सिर्फ बिलीव किया, मैंने सिर्फ एक चांस लिया था और मैंने 100% एक तरीके से सोच लिया था कि इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से मेरी जिंदगी बदल सकती है। बिलीव करना, जब कोई विश्वास नहीं कर रहा होगा तब विश्वास करना विश्वास कहलाया जाता है। जब सारी स्थितियां नेगेटिव हो उस टाइम भी अगर आप पॉजिटिव हैं तब आपको पॉजिटिव इंसान कहते हैं। अच्छी स्थिति में तो हर कोई पॉजिटिव होता है, आप पॉजिटिव नहीं है, आप अच्छे टाइम में पॉजिटिव और बुरे टाइम में नेगेटिव, यू आर नॉट पॉजिटिव पर्सन। आपको हर हालात में, हर सिचुएशन में, जब भी आप पॉजिटिव 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 हैं चमत्कार होगा। इसलिए डोंट वरी, क्योंकि कहते ना अभी तो जो चिंता हो ना, इसलिए चिंता होती है क्या 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 होगा, कल क्या होगा। मैं बोल रहा हूं कि आज जितना मर्जी रो लो, जितना मर्जी आपको परेशानी हो जाए, लेकिन जब हम कामयाब होते हैं ना, जब उसकी खुशी में जो आंसू आते हैं ना, वो एक अलग ही होता है, उसका अलग ही फीलिंग होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि लगे रहो, रुकना नहीं है। लोग बोलेंगे ना आप कर ही नहीं सकते हो, करके दिखाना है। लोग बोलेंगे ये तो इम्पॉसिबल है, फिर भी करके दिखाना है। लोग आपके ऊपर डाउट करेंगे, और लोग कर सकते हैं, तुमने कभी शीशे में देखा है ना, ये मंसूर मुंह और ये मंसूर की दाल एक कहावत है ना। लोग बोलेंगे आपको हाँ दुनिया कर सकती है, लेकिन आप नहीं कर पाओगे, आप क्यों पड़े हो इन चक्रों में, कुछ नहीं रखा है, क्यों टाइम खराब कर रहे हो, क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो, कर लो कोई छोटी मोटी नौकरी, कर लो कोई छोटा मोटा दुकानदारी, कर लो परचूने की, कर लो कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ बोलेंगे लोग। आपको डिसाइड करना है, दिस इज योर लाइफ। लोग आपके अंदर डाउट पैदा करेंगे, उस टाइम भी अगर आपको ये है ना कि भाई साहब कोई कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इस तरह की क्रेजी होना पड़ेगा अपने टारगेट को लेकर, अपने सपनों को लेकर, अपने गोल के लेकर। और मैं एक ही चीज कहता हूं कि दोस्तों अगर इस तरह का क्रेजीनेस आपके अंदर है, जुनून है, पैशन है, तो चमत्कार होगा। याद करना, यहाँ जितने भी सीनियर हैं आपके, जितने भी मेंटर्स हैं आपके, जो कोच हैं या गुरु हैं या फिर सिस्टम है, इस सिस्टम की गारंटी है यू कैन बी सक्सेसफुल। और यकीन करना, कहते हैं ना कि अगर आप चाहते हो ना कि जो भी चीज आप खरीदते हो, आज आप मार्केट में जाते हो ना शॉपिंग करने के लिए जाते हो, तो आप चाहते हो कि उसका प्राइस टैग ना देखना पड़े। अगर आज आप चाहते हो, आने वाले टाइम में चाहते हो कुछ भी खरीदने जाओ तो उसके प्राइस टैग को देखना ना पड़े, तो कहते हैं आज जब आप काम कर रहे हो ना, तो आपको ना तो ये देखना है क्या टाइम हुआ है, सुबह हुई है, दोपहर है, शाम है, रात है, आधी रात है, कहाँ मीटिंग, कहाँ क्लोजिंग, कहाँ गेट टुगेदर, जब आपने ये सब कुछ नहीं देखा ना, अगर आज आप टाइम नहीं देखोगे, अगर आज आप वक्त नहीं देखोगे, तो आने वाले टाइम में आपको प्राइस टैग भी नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आज आप देखते हो कि नहीं नहीं मैं तो लेट हो गया, मैं जल्दी हो गया, मैं तो नहीं जा सकता, मैं तो नहीं आ सकता, ये वो खाने का टाइम, सोने का टाइम, उठने का टाइम, बैठने का टाइम, ये टाइम वो टाइम, हजारों चीजें हैं आपके पास में अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, खुद को धोखा देने के लिए, एक्सक्यूज बनाने के लिए। जब हम धोखा एक्सक्यूज बनाते हैं,
हम किसी को धोखा नहीं देते हैं, हम खुद को धोखा देते हैं। और यकीन कीजिएगा, अगर आपने इन सब चीजों को जीत लिया, एक दिन ऐसा होगा, कहते ना, लेट द सक्सेस मेक द नॉइस। आज आपको बोलना पड़ रहा है, एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया आपके लिए बोल रही होगी। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आज से आपने ठान लिया, अगले 3 महीने में आप बेटर सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, बेटर सिचुएशन में। आज सोच लो, अगले 90 दिन झोंक देना है। आपके जहां भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जान पहचान के लोग हैं, उनको मिलिए, उनसे बात कीजिए, अपना कॉन्फिडेंस शेयर कीजिए, उनको बताइए ये कंपनी है, ये सिस्टम है, हम ऑनलाइन बैठ के हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के इस बिजनेस को कर सकते हैं। और फिर उनको बुलाइए जूम मीटिंग में, जब वो जूम मीटिंग में आएंगे। इसके अलावा हमारे पास में आईडीनेट सिस्टम का यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाके कोई वीडियो देख सकता है, कोई भी वीडियो उठा के देख ले। अगर वो आधा घंटा एक घंटा उस वीडियो को सुन लेगा, उसके अंदर बैटरी चार्ज होनी होनी है, उसकी एनर्जी अपर लेवल पर जानी ही जानी है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि 90 दिन के अंदर आपकी सिचुएशन बदलनी शुरू हो सकती है, अगर आपने मैसिव एफर्ट्स डाले, अगर आपने ताबड़तोड़ काम करना शुरू कर दिया ना, इससे जो भी हो देखा जाएगा। तो आपको कहते हैं ना, लर्न टू फाइट, आपको अकेले जीतना सीखना है। क्योंकि जब आप जीतना चाहते हो ना, यू हैव टू लर्न टू फाइट अलोन। क्योंकि आप जब कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, जरूरी थोड़ी हालत में आपका अपलाइन साथ में होगा या डाउनलाइन साथ में होगा। यू हैव टू लर्न टू फाइट द योर लोनलीनेस। अकेलेपन से बाहर निकलिए, मत सोचिए अकेला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी गाड़ी जितनी भी चली आज तक, मेरी गाड़ी अभी तक मैं लगभग अगर मैं कैलकुलेशन करूं, कम से कम 3 लाख किलोमीटर में गाड़ी चला चुका हूं, 3 लाख किलोमीटर, और 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा, जिसमें से लगभग 80% 2.5 लाख किलोमीटर की अगर मैं बात करूं, मैं अपनी गाड़ी में अकेला ही होता हूं। आप सोचो, इतनी लग्जरी गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ियां हैं, जब भी मैंने ट्रेवल किया, मोर देन 80% टाइम मैं अपनी गाड़ी में अकेले ट्रेवल कर रहा हूं। क्योंकि मैंने सीखा है कि लर्न टू फाइट लोन। अगर आप अकेले भी हैं, आपको भाई साहब ये नहीं सोचना, ये होगा वो होगा तब मैं जाऊंगा कहीं पर, इसीलिए कहते ना, कहें नहीं खाना तभी खाऊंगा कोई साथ में होगा। आप कैसे जीतोगे? खाना कभी कभी अकेले का, कभी कभी नहीं, ज्यादातर टाइम है ना। और खासतौर से जब आपके पास में गरीबी है, तो आप तो खाना खाते ये भी नहीं दिखाना चाहते हो दुनिया को, खा क्या रहे हो? नमक के साथ खा रहे हो, प्याज के साथ खा रहे हो, गुड़ के साथ खा रहे हो, चाय के साथ खा रहे हो, दही के साथ खा रहे हो, किसके साथ खा रहे हो? सूखी रूखी खा रहे हो, कैसी सब्जी है, कैसी रोटी है, आप दिखाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं है दिखाने वाला ना सिचुएशन। आप मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हो, जरूरी थोड़ी कोई और बैठेगा तो ही देखूंगा, कोई और बोलेगा तो ही करेंगे। आपने अपने दम पर, आपने बोला कि आपको पता है उठना बैठना सोना जागना हर चीज अपने दम पर करना होगा। जिस दिन आपने ठान लेना कि यस मैं करूंगा, यकीन करना आपके साथ जिंदगी बदलने वाली, ये मौका है। मैं कहता हूं कि ये भी मौका है, मौका तो है, बट क्या आप सीरियस हैं? इसलिए मैं कहता हूं, आई डोंट बिलीव इन लक। हम विश्वास लक पे नहीं कहते हैं, लक मतलब लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, उस पे विश्वास कीजिए। लक का मतलब है लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, सही ज्ञान के साथ कोई काम किया जाए, किस्मत बन जाती है। इसलिए दोस्तों, जो करेंगे, जो कर्म करेंगे, वही फल मिलेगा। सोचना है हम कौन सा बो रहे हैं, कौन सा बीज बो रहे हैं हर रोज। मैं अपनी मेहनत से कौन सा बीज बो रहे हैं कि आने वाले साल, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद इस पेड़ से आपकी जिंदगी के सारे सपने पूरे करने वाले ऐसे पैसे निकलेंगे, रॉयल्टी निकलेगी या आपकी अर्निंग्स होंगी। तो टियांस का बिजनेस, जिसमें आप देखते हो वीकली पे आउट होता है, वीकली हर हफ्ते पैसे बनते हैं, हर हफ्ते क्लोजिंग होती है। एक आईडी अगर आपके पास है तो 4 क्लोजिंग हो गई, महीने में 4 क्लोजिंग, साल में 48 क्लोजिंग। अगर आपकी एक आईडी है, कुछ लोग बोलते हैं मैं तो 2 आईडी में पैसे कमाऊंगा सर, मैं 3 आईडी में पैसे कमाऊंगा। आप सोचिए, 150 लगभग 150 पे आउट बनते हैं आपके एक साल के अंदर। हिसाब लगा लेना घर में बैठ, कैसे 6 फिगर 7 फिगर अर्निंग्स यहाँ पॉसिबल है। ये बिजनेस की ताकत है, ये कंसेप्ट है। जैसे हर चीज बदल गई है ना दुनिया में, ऐसे पैसे कमाने के तरीके भी बदल गए हैं। आज भी हम वही नौकरी कर रहे हैं, है ना, नौकरी से जिंदगी बदलती है कितने लोगों की, आपने देखा होगा अपने आसपास में। और बिजनेस करना उसके लिए लाखों रुपए चाहिए, वो है नहीं, कोई बता के राजी नहीं है, कोई सिखा के राजी नहीं है, अगर लगा भी दिए तो वहां डूबने के चांसेस हैं। लाखों रुपए लगा के डूब जाते हैं दोस्तों 95% लोगों के। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 10-20-50 हजार, मैंने 15,000 पैसे शुरू किया था ये बिजनेस, सिर्फ 15,000 रुपीज से शुरू किया था, इस बिजनेस से करोड़ों रुपए आ चुके हैं। सोचिए, पूरी जिंदगी बदल गई।
अगर मैं 15,000 रुपए बचा लेता, उस 15,000 रुपए से क्या आ सकता था? सोचिए आप, आज की डेट में ढंग का एक मोबाइल फोन नहीं आता है। दैट इज द पावर ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो टियांस के पास जो अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आपने देखा है बहुत सारे यहाँ पर आपको बोनस मिलते हैं, अलग अलग तरह के प्रॉफिट है यहाँ पर। आपको ये दिमाग लगाना है कौन कौन सा प्रॉफिट कैसे कैसे बनाया जा सकता है। इस प्रॉफिट को ऐसे लूंगा मैं, ये वाला करूंगा तो ये भी मिलेगा, ये करूंगा तो ये भी मिलेगा, ये करूंगा तो ये भी मिलेगा। और फिर इसके बाद ग्लोबल रॉयल्टी में जाऊंगा तो रॉयल्टी भी मिलेगी। इसके बाद इंटरनेशनल टूर भी मिलते हैं यहाँ पे, पूरी दुनिया घूमने का मौका है, पूरी जिंदगी भर घूमते रहो। उसके अलावा आपको गाड़ी गिफ्ट में मिल रही है, विला गिफ्ट में मिल रहा है, और जो यहाँ पर नेम और फेम बनता है दोस्तों, इज्जत और मान सम्मान बनता है ना, बी रिच एंड बी फेमस, ये दोनों ही काम यहाँ पर होते हैं विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। दुनिया भर के लोग आपकी तारीफ करते हैं, दुनिया भर के लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। आई फील वेरी प्राउड कि मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, और मुझे पता है मरते दम तक मैं नहीं, मेरे बाद मेरे बच्चे भी इस बिजनेस को और आगे ले जाएंगे और बड़ा करेंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एक ही बात कह सकते हैं, हम सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस आपको दे सकते हैं, अपना बिलीफ दे सकते हैं, हम बिलीफ को ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने उसको रिसीव किया या नहीं किया, दैट इज अप टू यू, राइट। कहते हैं ना, आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते दुनिया में जब तक वो सामने वाला कन्विंस होने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं कोई कन्विंस नहीं करता हूँ किसी को, मैं सिर्फ अपनी बात बताता हूँ। जिसको कन्विंस होना हो वो खुद हो जाएगा, वो उसको फॉलो करेगा, और जिसने कन्विंस नहीं होना है, आई डोंट बॉदर एंड आई शुड नॉट बॉदर एनी टाइम, बिकॉज ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा सबके लिए, मेरे लिए भी ऐसी है, आपके लिए भी ऐसी है। इससे बढ़िया कुछ है तो मैं बोलता हूँ करते रहो। अगर नहीं है अभी तक, अब मत सोचो, कहीं ऐसा ना हो जाए सोचते सोचते जिंदगी ही निकल जाए। तो आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। और आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को शेयरिंग करने के लिए हमारे बीच में अचीवर्स हैं, जिन्होंने BCM अचीव की हैं, जिन्होंने हमारे बीच में चाइना टूर अचीव किया है, न्यू रैंक अचीव किए हैं। तो हम उनका अभी इस्तकबाल करेंगे, स्वागत करेंगे, और उनकी शेयरिंग को भी सुनने वाले हैं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच गिविंग मी अपॉर्चुनिटी एंड टू लिसनिंग मी, एंड आई होप कि आपने आज की कुछ बातों से कुछ एक जज्बा जरूर पैदा किया होगा, एक जुनूनी, एक शख्सियत बनने की तरफ आप बढ़ेंगे जरूर। मैं इतने कहूँगा, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माई फैमिली, थैंक्स टू चेयरमैन ली जिनयोन सर, एंड थैंक्स टू यू ईच एंड एवरी वन, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। और मैं आप सबके लिए यही दुआ करता हूँ, आपकी जिंदगी भी शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट बने आने वाले सालों में। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरी वन सून, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।